Hi, grade first. In previous class, we had completed exercise A and B of chapter 7. Doing words. Doing words क्या होता है? Action words होते हैं, जो मैं already पहले बता चुकी हूँ. Right? Today I'm starting with exercise C. Read the naming words. Circle the action they cannot do. मतलब आपको ये जो naming words दिए गए हैं ना, और उसमें से यहाँ action words दिए गए हैं. तो आपको ये बताना है कि ये जो नेमिंग वर्ड्स है वो इसमें से कौन सा एक्शन नहीं कर पाते. फॉर एग्जाम्पल बेबीज मतलब छोटे बच्चे. छोटे बच्चे क्या करते हैं? क्राई. क्या वो रोते हैं? यस. क्रॉल मतलब घुटनों पे चलना. रेंगना. वो रेंग सकते हैं? यस. फ्लाई. वो उड़ सकते हैं? नो. वो उड़ नहीं सकते. एंड लाफ मतलब हंसना. क्या वो हंस सकते हैं? यस. तो इसमें से कौन सी चीज वो नहीं कर सकते? फ्लाई. सो विल सर्कल फ्लाई. नंबर टू बर्ड्स फ्लाई कर सकते हैं? यस. हॉप मतलब कूदना. बर्ड्स हॉप मतलब कूद नहीं सकते. बट अगर वो लोग ऐसे उड़के बैठना तो उसको हॉप नहीं कहेंगे. सो हॉप भी नहीं कर सकते. रीड. क्या वो पढ़ सकते हैं? नो. एंड सिंग. क्या वो गा सकते हैं? यस. बर्ड्स कैन सिंग. डॉग्स क्या कर सकते हैं? राइट. क्या लिख सकते हैं? नहीं. बार्क मतलब भौंकना. क्या वो भौंक सकते हैं? रन मतलब दौड़ना. क्या वो दौड़ सकते हैं? यस. एंड डिग मतलब ऐसे खड्डा करना. जब जमीन में ग्राउंड में उनको खड्डा करना होता है ना, उसको डिगिंग कहते हैं. डिग करना कहते हैं. तो वो लिख सकते हैं? नो. वो भौंक सकते हैं, रन कर सकते हैं और डिग कर सकते हैं. सो द आंसर इज राइट. वो राइट नहीं कर सकते. मंकीज क्या कर सकते हैं? क्लाइम मतलब चढ़ सकते हैं. कुक खाना बना सकते हैं. क्या मंकी खाना बना सकते हैं? नहीं. चैटर मतलब वो लोग जो बोलते हैं ना, उसे चैटर कहते हैं. हाँ, वो चैटर कर सकते हैं. जंप. क्या वो कूद सकते हैं? यस. मंकी कैन डू ऑल द थिंग एक्सेप्ट कुकिंग. मंकी कुक नहीं कर सकते. तो विल सर्कल कुक. नंबर 5 डक्स. स्विम, क्वैक, वैडल एंड म्याऊ. स्विम मतलब तैरना. क्या डक तैर सकते हैं? यस. क्वैक. क्या वो क्वैक कर सकते हैं? यस. डक्स जो बोलते हैं उसे क्वैक क्वैक कहते हैं. वैडल मतलब वो वैडल कर सकते हैं. एंड म्याऊ मतलब बिल्ली की आवाज. क्या वो म्याऊ कर सकते हैं? नो. सो द आंसर इज म्याऊ. राइट. नाउ आई स्टार्ट विद एक्सरसाइज डी. गिवन बिलो आर सम थिंग्स दैट जेरीज फैमिली does for him. Look at the pictures and complete the sentences. मतलब जेरी की जो फैमिली है वो उसके लिए ये सारी चीजें कर रही है. तो हमें क्या करना है? हमें ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं. नंबर 1 माई फादर कुक्स फॉर मी. माई ब्रदर प्लेज विथ मी. मेरा भाई मेरे साथ खेलता है. नंबर 3 माई मदर ड्राइव्स टू मी. मतलब मेरी मम्मी ड्राइव करके मुझे लेके जाती है स्कूल. नंबर 4 माई ग्रैंड मदर हेल्प्स मी टू डू माई होमवर्क. नंबर 5 माई ग्रैंड फादर टेक्स मी टू द पार्क. राइट. सो होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. And your today's homework is, we'll complete exercise C and D in textbook.
यस किड्स, इसी के साथ आपको जो मैंने वर्कशीट दी है उसमें एक एक्सरसाइज है, दैट इज सी द पिक्चर एंड सर्कल द करेक्ट एक्शन वर्ड्स। आपको इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पे 3 एक्शन वर्ड्स दिए गए हैं और उसमें से आपको जो सही है वो चूज करना है। जैसे वेकअप मतलब जागना, टेक अ बाथ नहाना, एंड स्टडी। तो इसमें से ये क्या कर रहा है, टेक अ बाथ, तो वो हमें सर्कल करना है, राइट। टाइडी अप, प्ले, ब्रश टीथ, ये क्या कर रही है, शी इज ब्रशिंग हर टीथ, राइट। तो ये आप का खुद करने की कोशिश करेंगे, राइट। और इससे रिलेटेड आंसर की मैं बाद में फोटो करके भेज दूंगी। यू कैन कंसिडर दिस एज योर क्लास टेस्ट कम रिविजन, ठीक है। सो होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। विद दिस आई एंड दिस क्लास। गुड बाय एवरीवन, गुड बाय फॉर द डे, बाय।